नमस्कार मित्रों, टीचर्स अकेडमी से मैं उमरेश शुक्ला। मित्रों, आप मुझे अन अकेडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन और वहाँ पर सर्च करिए अम्बरीश शुक्ला। मित्रों, आज एक बहुत अच्छी सूचना लेके आया हूँ। जैसे ही आप ये सूचना सुनेंगे अति भावा विभोर हो जाएंगे, अर्थात जैसे ही जनवरी में आप 6 जनवरी को परीक्षा दे के निकलेंगे बाहर, यूपी टेट के बाद सुपर टेट की परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई है। और 6 जनवरी की परीक्षा जैसे आप बाहर निकलेंगे देकर, वैसे ही एक परीक्षा आपके सामने और खड़ी नज़र आएगी और वो परीक्षा होगी TGT PGT। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यूपी TGT PGT परीक्षा को लेकर छात्रों ने भरी हुंकार और इस हुंकार पर आयोग ने भी अपने कान खड़े कर लिए हैं, अर्थात वो जल्द ही तिथि घोषित कर देंगे। तिथि सप्ताह तिथि घोषित करने की बातचीत चल रही है, अर्थात इस रविवार तक आपको तिथि मिल जाएगी। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आपको आगाह किया था कि जनवरी के अंत तक या फरवरी में हो सकती है इसकी परीक्षा। अगर अभी परीक्षा की तिथि घोषित की जाती है तो परीक्षा की तिथि फरवरी में रखी जाएगी। अब देखते हैं कि न्यूज़पेपर में इससे संबंधित क्या बातचीत की गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यशैली को खपा। प्रतियोगियों ने सोमवार को मुख्यालय का घेराव किया। घंटों तक अध्यक्ष वापस जाओ के नारे लगे। प्रतियोगी इसलिए नाराज हैं कि 2 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक प्रवक्ता व स्नातक शिक्षा 2016 की लिखित परीक्षा नहीं कराई जा सकी। गुस्सा देकर चयन बोर्ड को झुकना पड़ा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय माध्यमिक कॉलेजों के प्रधानाचार्य प्रवक्ता स्नातक शिक्षकों का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश से ही होता है। 2 साल पहले 9294 पदों के लिए PGT और TGT 2016 का विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए गए थे। पहली बार लिखित परीक्षा अक्टूबर 2016 में ही कराने का ऐलान हुआ था, जिसके बाद स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार सितंबर 2018 में तारीख घोषित हुई, फिर उसे स्थगित कर दिया गया। इससे खफा बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया। संयोजक विक्की खान व अध्यक्ष अनिल कुमार पाल ने कहा कि अन्य भर्ती संस्थाएं प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही, चयन बोर्ड चुप्पी साधे बिना परीक्षा की तारीख घोषित किए आंदोलन खत्म नहीं होगा। दोपहर बाद चयन बोर्ड वीरेश कुमार ने प्रतिमंडल प्रतिनिधिमंडल को क्या किया वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसी सप्ताह परीक्षा की तारीख घोषित कर देंगे। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 2011 के जिन विषयों का साक्षात्कार हो चुका है उसका रिजल्ट भी जल्दी जारी करने की तैयारी चल रही है। अन्य विषयों के इंटरव्यू भी तारीखें घोषित की जाएंगी। इस वादे पर प्रतियोगी सहमत हो गया। अनिल कुमार ने कहा कि सभी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएँ। यह प्रदीप मौर्य, ओपी यादव और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो मित्रों, ये अच्छी सूचना है कि हमको इसी सप्ताह जो है तिथि मिल जाएगी और वो जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तिथि मिलने वाली है, संभावित तिथि है फरवरी का महीना। तो फरवरी बसंत का महीना है और इसी बसंत के महीने में आप सबको एक और परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। तो मित्रों, एक अच्छी सूचना है। जो लोग टीजीटी देने के योग्य हैं अर्थात वो सुपर टेट देंगे, लेकिन जो लोग पीजीटी देते हैं तो उनको अलग से तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। साथ ही साथ सुपर टेट के साथ साथ आप इसकी भी तैयारी जारी रख सकते हैं, लेकिन सुपर टेट पहले पास करिए, उसके बाद फिर आप तैयारी करिएगा यूपी टीजीटी पीजीटी का। या जो लोग किसी वजह से टेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या टेट की परीक्षा में हो सकता है इस बार असफल रहे हों, तो उनको टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सूचना आप सबको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। साथ ही साथ कितने लोग ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं वह भी मुझे बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।